हेलो क्लास 10। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सटिंक्शन के ऊपर ऊपर से थोड़ा बताया था क्या होता है, हमें रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा ये होता है, एक्सटिंक्शन होती है हमारी, ठीक है, मेटल्स की। लेकिन अब हमारा जो ओर्स है, हम मिनरल्स जो हमें मेनली अर्थ क्रस्ट में मिले हैं, उसके बाद हमारे तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था आपके तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेटल्स वो आती हैं जो हाई रिएक्टिविटी होती है, सेकंड जो हमारी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, और थर्ड हो चुकी है जो मेटल लो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। तीन टाइप के मैंने आपको ऑक्साइड्स भी बताए थे, तीन टाइप के ओर की फॉर्म में मिलते हैं ये ऑक्साइड, नहीं सॉरी ऑक्साइड तो एक ओर ही है, तीन टाइप के ओर की फॉर्मेशन में मिलते हैं। फर्स्ट इज कार्बोनेट ऑयल, सेकेंड इज सल्फाइड ऑयल, एंड द थर्ड इज ऑक्साइड फॉर्म नहीं है इसके अंदर ना, और ये रही ऑक्साइड फॉर्म मेटल की, ठीक है। हमारे पास तीन है, हमारे पास सबसे पहली हमारे पास कार्बोनेट ऑयल है, सल्फाइड ऑयल है, और ऑक्साइड। अब हमारी बात करें हम कार्बोनेट और सल्फाइड। अब कार्बोनेट ओर है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्सिनेशन, एक ऐसा प्रोसेस है कैल्सिनेशन के द्वारा हम इसको कैल्सिनेशन करते हैं, जिससे हमें डायरेक्टली क्या मिलती है, ऑक्साइड मेटल की, उस मेटल की ऑक्साइड मिल जाती है। और ऑक्साइड मिलने के बाद अगर मेटल है हमारे पास कोई भी, जैसे Fe है, आयरन है, आयरन को अगर हमें कार्बोनेट ऑयल था, कार्बोनेट ऑयल्स को हमने क्या किया, सिंपल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं बता रही कि कोई बड़ी सी रिएक्शन है। जैसे एक आयरन है और एक कार्बन है, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, इसका कार्बोनेट ऑयल मिल रहा है, कार्बोनेट और मिल रहा है, ठीक है। Fe के साथ मतलब कार्बन मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है, तो हमें कैल्सिनेशन कराया और हमें इसका ऐसा हो कि इसको हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म में लाना है, ऑक्साइड फॉर्म में कैसे आएगा, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन मतलब क्या है, कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, कैल्सिनेशन जो हमारा ये आई है टर्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना कार्बोनेट ऑयल और से, उस मेटल को उससे एक्सट्रैक्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस के अंदर, और बहुत स्ट्रॉन्गली हीट करना। मतलब अगर इसके अंदर हमने ऑक्सीजन मिलानी है तो हमें ऑक्सीजन डालनी भी पड़ेगी, तो हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन डाल दी, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, CO2 गैस तो बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी, जितनी ऑक्सीजन, ये सी कार्बन एक था और ऑक्सीजन दो थे, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का एक एटम बचे गई ना, तो कार्बन एटम बच गया, तो हमारा क्या हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, हमारा ऑक्साइड फॉर्म में हम इसको मिल गया। मतलब क्या है, कार्बोनेट और जो है वो कैल्सिनेशन करता है। कैल्सिनेशन जो टर्म है वो है, एक बार ध्यान से दोबारा सुन लें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्शन करना फ्रॉम द कार्बोनेट ओर, फ्रॉम कार्बोनेट ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, किसमें, टू द ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में बाय स्ट्रॉन्गली हीट, और बहुत स्ट्रॉन्ग हीट देकर उसको एयर की प्रेजेंस में कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड ओर की जो हम कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। आई होप समझ आ गया होगा, मैंने बहुत आराम से बोला, अगर नहीं आया तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, अब हमारा दूसरा है सल्फाइड ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर। अब हमारा सबसे पहले सल्फाइड ओर क्या होगा, रोस्टिंग का प्रोसेस करेगा, रोस्टिंग के प्रोसेस के बाद डायरेक्टली हमारा ऑक्साइड बन जाएगा मेटल का। मतलब क्या है इसका, सल्फाइड ओर, अब उसमें क्या है, वही मेटल है, मेटल के साथ अब हमारा कार्बन नहीं जुड़ के सल्फर जुड़ा है, सल्फर जुड़ने के बाद अब हमने वही उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा। ये सिंपल लैंग्वेज में इक्वेशन बता रही हूँ, इक्वेशन ये नहीं है, ठीक है, कभी आप इक्वेशन लिख लो, ये वाली ये इक्वेशन सही नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर मेटल के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है और उसको हमने ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, वही O2 तो देनी पड़ेगी, O2 देनी पड़ेगी, लेकिन ये सल्फर है वो कार्बन था, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी, कि ये कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू द ऑक्साइड ऑफ मेटल इन अ लिमिटेड एयर, इन अ लिमिटेड एयर मतलब लिमिट एयर की, लिमिटेड एयर में करेंगे और बाय स्ट्रॉन्गली हीट नहीं करेंगे, अगर थोड़ी सी हीट करेंगे तो भी चलेगा, इन लिमिटेड एयर के अंदर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं उसको रोस्टिंग, ठीक है।
ये पता चल गया आपको, कार्बोनेट और सल्फाइड और थे हमारे कैसे मिलते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी के जितने हमारे कार्बोनेट और सल्फाइड और हैं पहले कैल्सिनेशन का प्रोसेस करेंगे और ये करेगा हमारा रोस्टिंग का प्रोसेस, उसके बाद डायरेक्टली ऑक्साइड बन जाएगा मेटल का, मेटल का ऑक्साइड बन गया, मेटल के ऑक्साइड बनने के बाद हमें उसको रिड्यूस कर देंगे मेटल में से, कैसे करेंगे, अब हमारा वही FeO है, FeO बनाना है, कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस डाल लेंगे और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर को बाहर निकाल देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, जब जहाँ भी ऑक्सीजन दिखी है हमें ऑक्सीजन को मेटल से बाहर निकालना है, सीधी हाइड्रोजन गैस पास कराओ और वाटर को बाहर निकाल लो, वाटर को बाहर निकाल लो और हमें मेटल मिल गया, ठीक है ना, वाटर को बाहर निकाल लो और हमें मेटल मिल गया, तो हमें मतलब क्या है उसका, रिडक्शन ऑफ मेटल, मेटल को रिड्यूस करना, मतलब मेटल में से रिड्यूस करना, किसको रिड्यूस करना, जो चीज़ हमें ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको रिड्यूस करना, और रिड्यूस करने के बाद लास्ट जो हमारा पार्ट आता है वो होता है प्योरीफिकेशन का, मतलब उस मेटल जो हमने रिड्यूस कर लिया, जो मेटल अभी हमें हमारे पास है उसको प्योरीफाई करके उसको डिज़ायर्ड मेटल में कन्वर्ट करके हमें जिस मेटल की ज़रूरत थी वो मेटल हमें मिल गई है, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अब हमारी लो रिएक्टिविटी के जितने मेटल्स होते हैं वो सल्फाइड ओर में मिलते हैं, सल्फाइड ओर को आपको वही प्रोसेस, वही फंडा, रोस्टिंग किया मेटल निकला और रिफाइनिंग किया, क्योंकि लो रिएक्टिविटी है, ठीक है, इसमें सीधा डायरेक्ट निकल जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर बात करें हाई इलेक्ट्रोविटी की, हाई जो मेटल में हाई रिएक्टिविटी होते हैं उसमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, उसके बाद प्योर मेटल निकलता है। जो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है ये बहुत घूमने वाला प्रोसेस है, ये हमें तब समझ आएगा जब हम पूरे मेटल को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी एक्सट्रैक्शन जब हम पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे उसके बाद हमें समझ आएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो था फंडा ये हमारा क्या था, ठीक है ना, ओके, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था इतना। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी जो है, एक्सट्रैक्शन जो है मेटल की इन अ लो रिएक्टिविटी में हमारा क्या होता है, ठीक है, टेबल सबको समझ आ गई अच्छे से, ठीक है ना, सल्फाइड और ऑक्साइड और जिसकी जितनी प्रॉब्लम थी वो समझ आ गई होगी। अब हम बात करें जो रिएक्टिविटी में जो हमारे लो मेटल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन की अगर बात करें हम, मेटल्स लो इन अ रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, मैंने पहले ही बोला था जो मेटल्स लो उसमें होती हैं सबसे कम अनरिएक्टिव होती हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, अगर सिंपल सी हीट भी करेंगे तो भी हमारा जो उसके ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो निकल जाते हैं, ठीक है, जैसे सिनेबर है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि मरकरी का ओर कौन सा होता है, ठीक है, नेम ऑर ऑफ अ मरकरी, ठीक है, सिनेबर होता है जिसका हमारा केमिकल फॉर्मूला है HgS, ठीक है, इसको हम सिंपल हीट में एयर में है, ये रहा हमारे 2HgS के हमने मॉलिक्यूल लिए, हमने सिंपल ऑक्सीजन के अंदर इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास 2GS आया, मतलब इसमें से SO2 वही बाहर निकला, ठीक है ना, ये रहा SO2 हमारा गैस बाहर निकला, जैसे हमारा उसमें से निकाला था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था ना लास्ट टाइम वीडियो में बताया भी था, नहीं अभी बताया थोड़ी देर पहले ना, तो वैसे ही हमारा इसमें से ये वाली गैस निकल गई बाहर। अब हमारे पास ये रहा डिजायर्ड मेटल, इसको दोबारा हीट कर देंगे, ऑक्साइड तो निकल गया, क्या था उसमें लो रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रहा, एक बार दोबारा पढ़ देख लो इसको, ऐसे बता देती हूँ यहीं पे, क्या था हमारा लो रिएक्टिविटी सीरीज में, हमें मिलते थे सल्फाइड और, ठीक है, सल्फाइड ओर मिलते थे, सल्फाइड ओर में हम क्या करते थे, रोस्टिंग का प्रोसेस करते थे, रोस्टिंग के प्रोसेस क्यों करते थे, क्योंकि हमें चाहिए होते ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड्स मिलने के बाद हम क्या करते थे, सिंपल उसकी रिडक्शन करते थे, और रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिल जाती थी ना, यही होता था प्रोसेस। अब हमें क्या मिल रहा है, इसमें सेम प्रोसेस यही चल रहा है, देखो ये जो प्रोसेस है हमारा सिनेबर है, 3 ऑक्सीजन लगाई हमने और SO2 को बाहर निकाला, ठीक है ना, ये था हमारा सल्फाइड ओर, और जो हमने ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया इन अ लिमिटेड एयर में रोस्टिंग किया है हमने और हमें डिजायर्ड मेटल मिल गई, ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस रोस्टिंग का, ठीक है, रोस्टिंग के बाद जो हमारा डिजायर्ड मेटल था ये रहा हमारा डिजायर्ड प्रेड, इसको हमने रिड्यूस किया, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, ये रहे हमारे 2G मरकरी के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन निकल गई बाहर।
अगर ऑक्सीजन एच था यहाँ पे वाटर भी डाल सकते थे, सिंपल हीट कराएंगे तो भी निकल जाएगा इसमें से, इतना बड़ा हमने फंडा निकालना नहीं। और टू जी निकाला और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, निकल के डिजायर्ड मेटल। ऐसे ही बात करें हम कॉपर की, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड, जो कॉपर है उसका जो हमारा ओर होता है वो CO2S आता है। नेचर के अंदर CO2S मिलता है जो भी कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम इट्स ओर, और उसके ओर को हम ऑब्टेंड करेंगे कैसे, बाय जस्ट हीटिंग इन द एयर। वही एयर के अंदर सिंपल सी हीट करनी है, उसको क्या किया हमने ऑक्सीजन के अंदर हीट किया और ये हमारा डिजायर्ड मेटल वही SO2 बाहर निकल गई जो हमारी गैस थी जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। और यही डिजायर्ड मेटल को हमने दोबारा रखा और क्या किया हमने C2S का दूसरा मॉलिक्यूल रखा और हीट कर दिया, ये मिल गया हमारे कॉपर के मॉलिक्यूल और फिर हमारा निकल गया बाहर। अब हमें इसमें ऑक्सीजन के लिए रिडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे इतने से ही हमारा काम बन गया। नेक्स्ट हमारा मिडल रिएक्टिविटी सीरीज की एक्सट्रैक्शन और हमारी दूसरी है टॉप सीरीज की एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों हम करने हैं बाद में, नेक्स्ट टाइम करेंगे। रिफाइनिंग के बाद कोरोजन और ये आपका चैप्टर कम्प्लीट, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, वरना ये टेबल तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस टेबल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ सकते हो आप, जब मर्जी व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।